वेलकम क्लास सेवन्थ सकीना पब्लिक स्कूल। हमारा सेवन्थ क्लास में बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन के ऊपर चल रहा है। हमने आपको बताया था ए एच व्हिटेकर का जो नया क्लासिफिकेशन का शेड्यूल है उसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला किंगडम हमने आपको बताया किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया ग्रुप है जो उसमें इंक्लूडेड है। दूसरा हमने आपको बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का प्रोटिस्टा, जिसमें हमने अमीबा, पैरामीशियम, यूगलीना की बात की थी और प्लाज्मोडियम की बात की थी। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और एक ही सेल पर पूरा जिस्म उनका बना होता है। उनका न्यूट्रिशन हमने आपको बताया अमीबा के केस में, और उसका लोकोमोशन हमने आपको बताया अमीबा के केस में, उसका एक्सक्रीशन बताया, उसका रिप्रोडक्शन बताया और उसका न्यूट्रिशन बताया। तो इस तरह से हमने प्रोटिस्टा को कवर किया। तीसरा जो चल रहा था वो चल रहा था किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमने आपको बताया जो बहुत कॉमन चीज़ें इसमें आती हैं वो है ईस्ट, और इसमें आता है ब्रेड मोल्ड राइजोपस, और इसमें आता है मशरूम्स। तो हमने ब्रेड मोल्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि ब्रेड मोल्ड, जब आपने देखा होगा अगर ब्रेड को कई दिन तक आप रखा छोड़ दें तो वो हरी पीली नीली पाउडर उसके ऊपर जमा हो जाता है। ये एक्चुअली इस पर राइजोपस का जमाव है, एक फंगस है जो इसके ऊपर जमा हो रही है, उसका नाम है राइजोपस। बारीक बारीक फिलामेंट होते हैं जिनको हाइफी कहते हैं, और द कलेक्शन ऑफ हाइफी, बहुत सारे हाइफी मिलकर इसकी बॉडी बनाते हैं, इसको माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम से फिर कुछ बारीक बारीक रेशे नीचे की तरफ निकल के ब्रेड के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, राइजोइड कहलाते हैं या इनकी रूट्स हैं वो। ऊपर की तरफ कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाई देते हैं जिनको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर के आखिर में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर फिर डेवलपमेंट होता है बहुत सारे स्पोर्स का, और जब स्पोरेंजिया फटते हैं, व्हेन दे बस्ट आउट, दे डिस्पर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पोर्स। ये स्पोर्स व्हेन दे गेट सुटेबल कंडीशन ऑफ ग्रोइंग, दे ग्रो इनटू न्यू फंजाई। और ब्रेड का जो होता है वो तो आपने देख ही लिया, वो तो अगर आपके नज़र में आ जाए तो उसे फेंकना ही पड़ता है क्योंकि वो बहुत ख़राब हो चुकी होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे मशरूम्स की। मशरूम आपने देखे होंगे बरसात के दिनों में, आजकल सीज़न में गली सड़ी चीज़ों पर ये उगते हैं। हमने ये शुरू में बताया था बिकॉज दिस ग्रुप इज़ नॉट हैविंग क्लोरोफिल, दी फंजाई ग्रुप इज़ नॉट हैविंग क्लोरोफिल इन देयर बॉडी, सो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दी डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मैटर, उससे अपना खाना हासिल करते हैं। तो ये छतरियाँ तो आपने होगी देखी होंगी, ये तो बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं इस ग्रुप में, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मशरूम, छतरियों की तरह दिखाई देते हैं, काले सफ़ेद, कुछ बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। तो इनके अंदर, यानी अगर हम देखें तो फंजाई में, मशरूम के अलावा फंजाई में जो रेस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक होता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन में ये ऐसा रेस्पायरेशन है जो हवा की गैर मौजूदगी, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो सकता है। इसमें ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है और टूट कर इथाइल अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और बनाता है एटीपी के दो मॉलिक्यूल्स। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे कार्यक्रम को जो ये एनारोबिक रेस्पायरेशन है, एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन या खमीर का उठना। खमीर के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे,
तंदूर की रोटियां जब बनाई जाती हैं शादी में, तो एक दिन पहले उसका आटा गूंथ के रात में उसमें थोड़ी सी ईस्ट मिला के रख दी जाती है ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाए, और फर्मेंटेशन और उसका जो आटा होता है वो खूब फूल जाता है, और ये जो फूलना है ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो खट्टापन भी आ जाता है इथाइल अल्कोहल की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फूल जाता है आटा, और फिर उसकी रोटियां बनती हैं तो उनका स्वाद घरेलू रोटियों से अलग होता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। मशरूम के बारे में यही है कि वो दो तरह के होते हैं, एक तो ज़रा जहरीले होते हैं और एक जो होते हैं बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं, यानी उनको खाया जाता है, अच्छा फूड समझा जाता है, वो नेचुरल फूड में अच्छा फूड समझा जाता है मशरूम। लेकिन कोई भी मशरूम उठा के खाना नहीं शुरू कर देना है, पकाना शुरू नहीं कर देना है। जो मशरूम बाकायदा जिसके लिए ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं खाने के लिए, वो जहरीले नहीं होते। और बाकी अगर आप अपनी मर्जी से कोई मशरूम उठा के और पकाना शुरू कर देंगे तो यू आर नॉट कन्फर्म कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। पॉइजनस भी होते हैं और इनका पॉइजन बहुत ख़तरनाक भी होता है। तो ये ग्रुप जो है ये बड़ा काम का ग्रुप है। जैसे एक एक फंगस ऐसा है जिसे पेनिसिलिन कहते हैं, ज़माने से एक एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल होता है पेनिसिलिन, बहुत ही अच्छा और अच्छा उम्दा रिजल्ट देने वाला एंटीबायोटिक है। इसके अलावा हमने भी आपको बताया कि ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के काम में आती है, तो बेकरीज में जहाँ पर बिस्किट्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, और शादी ब्याह बरातों में जो रोटियाँ तंदूरी पकती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में भी होता है, यानी शराब बनाने में भी होता है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा ग्रुप जो है इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द हार्मफुल पॉइंट ऑफ व्यू। हार्मफुल भी हैं फंगस, लोग कहते हैं कि उसको फफूंद लग गई तो सब बेकार हो गया, ब्रेड पे फफूंद लग गई बेकार हो गया। कोई चीज़ आप मीठी खाने पीने की चीज़ आप फ्रिज में रख दें, दही छोड़ दें, तो कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि सफ़ेद से वो लाल काला नीला पीला हो गया। इसी तरह ब्रेड अगर आपसे छूट गई है फॉर द लॉन्गर टाइम इट इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, देन यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द फंगस इज डेवलप्ड ऑन इट, दैट इज राइजोबस, और वो आपका सब बर्बाद कर देगी। और ये तो किसी काम की है ही नहीं जो छतरियाँ हैं, लेकिन इसमें जो अच्छे मोटे थिक मशरूम्स जो उगाए जाते हैं स्पेशली अलग फॉर्म में फॉर्मिंग की जाती है उसकी, तो वो फिर फूड के काम में आते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। चौथे नंबर का फोर्थ कहना चाहिए इसको, फोर्थ है किंगडम प्लांटी। प्लांट्स में आमतौर पर इनके पास हरे रंग की कमी नहीं है। अब हरा रंग जानने के लिए आपको थोड़ा सा प्लास्टिड्स के बारे में सुनना पड़ेगा। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें रंग पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर इनमें हरा रंग पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हैं। अगर इसमें येलो और रेड पिगमेंट पाया जाता है तो ये क्रोमोप्लास्ट हैं। और अगर इसमें कोई रंग ना पाया जाए लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स स्टोर रहते हैं, ये लीकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स
दैट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। क्लोरोफिल का नाम सुनते ही आपकी बड़ी क्लास है, सेवन्थ क्लास है, आपको किसी ऐसी जगह पहुंच जाना चाहिए, किसी ऐसे मसले पर पहुंच जाना चाहिए जो आपने बार बार सुन रखा होगा, और वो है फूड मैन्युफैक्चर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद कफील हैं, जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट हैं जिनकी सेल्स, वो अपना खाना खुद बना लेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन उसके लिए उनको नेचर के आगे हाथ फैलाना पड़ती है, उनको सॉइल से कुछ मिनरल्स और पानी एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उसके लिए उनके पास रूट्स हैं, उसके लिए उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, और उसके लिए वो रूट्स और कंडक्टिंग टिश्यूज मिलकर जमीन से, सॉइल से बहुत सारा पानी और पानी के साथ मिनरल्स सक करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं दो तरह के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब किए गए इस सैप को, जिसको हम इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको हम सैप कहेंगे। इस सैप को ऐसे पी सैप, इस सैप को ऊपर बढ़ाते हैं। ऊपर कहां तक बढ़ाएंगे? अप टू द लीव्स। क्यों? क्योंकि इनके फूड मैन्युफैक्चर का काम लीव्स में ही चल रहा है, लीव्स ही फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस पूरा करती हैं। उसके लिए इनको मिनरल्स, वाटर फ्रॉम द सॉइल, नंबर टू सनलाइट फ्रॉम द सन, नंबर थ्री क्लोरोफिल फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम एंड द ट्विग, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन ऑफ द एनिमल्स। When the animal expire air from their body, they leave large quantity of carbon dioxide. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फॉरन कैप्चर करते हैं, लीव्स में पहुंचाते हैं थ्रो स्टोमेटा, द टाइनी होल्स ऑन द लीव्स, ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द लीव। कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई जमीन से, पानी और मिनरल्स पहुंच गए, क्लोरोफिल पहले से मौजूद है, और जब दिन निकलेगा, सूरज आएगा, तो सनलाइट मिल जाएगी। व्हेन दीज फोर फैक्टर्स आर कलेक्टेड, दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फूड इन देयर लीव्स। सो द लीव्स आर द किचन हाउसेस ऑफ द प्लांट, दे मैन्युफैक्चर ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग नाइट टाइम। व्हेन द सन इज नॉट देयर, then they respire like animals.